आपको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 29 दिसंबर की शुरू प्रदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम कभी भी आगे बहुत तेज भाग रहे हों और फिर स्लो हो जाएं, ऐसा ना हो हमारे साथ में। ब्राह्मण जीवन कहें या एक योगी जीवन कहें या परमात्मा से जुड़ करके दुनिया की सेवा करने वाला जीवन कहें या सारे राजों को जान करके फिर औरों को भी इन राजों के बारे में बताने वाली सेवा कहें या सारे चक्र को जिसमें हम आए हुए हैं, इस चक्र को पहचान करके भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में औरों को समझा करके आगे सेवा करने वाले हों। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम ऐसी आत्माएं हों जो कि परमात्मा को याद करते हुए आगे सेवा भी करते रहें। लेकिन उस सेवा में कुछ चीजें जो अड़चनें आ जाती हैं उनको आज हम समझेंगे जो कि परमात्मा चाहते हैं कि वो हमारे बीच में ना आए। देखें परमपिता परमात्मा क्या ना क्या चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। एक तो याद परमात्मा के साथ में कंटिन्यूअस मेडिटेशन और सेवा कि औरों का भला कैसे करें, ये सोच। जब हम औरों का भला सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा भला हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरा काम करते चलो, मैं तुम्हारा काम करते चलूंगा। कितना आसान कर दिया ना। लेकिन हम अपना ही कामों के बारे में सोचें, अपने ही बारे में सोचें, तो परमात्मा कहते हैं लो आप अपने ही उसमें उलझे रहो, चाहे मोह में उलझे रहो चाहे लोभ में उलझे रहो, तो फिर मेरी मदद भी कैसे मिलेगी क्योंकि आपने एडॉप्ट करी हुई है नेगेटिव एनर्जीज। तो देखें परमात्मा विस्तार में कहते हैं ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा, ये फाउंडेशन है। मेडिटेशन करना, याद करना परमात्मा को और सेवा भी करना। सिर्फ मेडिटेशन करना और किसी की मदद ना करना, किसी को ना देना ये ज्ञान की बातें या किसी को उसकी उलझनों से बाहर ना निकालना, ज्ञान के रत्नों को ना बांट करके, तो फिर हमारे अंदर मेडिटेशन और स्ट्रांग नहीं हो सकती, हमें परमात्मा को और प्यार नहीं मिल सकता। तो परमात्मा कहते हैं अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा कभी ढीला चलेगा। कभी किसी की सेवा करी आपने, बहुत खुशी हुई अंदर से और परमात्मा से आपका कनेक्शन हो गया, फटाफट मेडिटेशन हो गई। लेकिन जहां पर हमने बहुत समय तक सिर्फ मेडिटेशन करने की कोशिश करी, अपने लिए ही सिर्फ, औरों की सेवा नहीं करी हमने मनसा से या वाचा से, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा कनेक्शन भी ढीला होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब करंट बहना कम हो जाता है। फिर परमात्मा कहते हैं कोई सहयोग मिले। हम देखो कैसे कैसे कंडीशंस डाल देते हैं अपनी लाइफ में कि मेरे को, मैं तभी सेवा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जब मेरे को कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले या कोई मेरा साथी बन जाए, तो हाँ उनके साथ जाकर के मजा आता है तभी सेवा करें, अकेले नहीं कर सकते हम। कोई सर्कमस्टेंस मिले कि हाँ सर्कमस्टेंस बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं मेरे, सारी चीजें मैंने देखी हुई है, घर बार सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं सेवा में घुसूं, तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। परमात्मा से एनर्जी लेना, शक्ति लेना, प्रेम लेना, पवित्रता लेना और औरों को देते जाना, उस एनर्जी के द्वारा औरों की सेवा करना, ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं और साथ साथ होने भी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर सिर्फ मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे और जो लिया है परमात्मा से वो अगर देंगे नहीं, औरों को बांटेंगे नहीं, तो फिर उधर से मिलना थोड़ा सा एक लिमिटेशन में आ जाएगा। फिर परमात्मा कहते हैं याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ ही नहीं आपको, किसी चीज की इच्छा नहीं आपको जब आप सेवा कर रहे हैं कि हाँ मेरे बारे में कुछ अच्छा बोले या मुझे इससे कुछ धन की प्राप्ति हो इस सेवा से या मुझे मेरा नाम मान शान बढ़े। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम्हें इन चीजों की इच्छा नहीं होती तो आस्ते आस्ते तुम देखते हो तुम्हारे अंदर गुण बढ़ते जाते हैं, शक्तियां बढ़ती जाती हैं और तुम्हारी स्थिति भी आगे बढ़ती जाती है। फिर परमात्मा कहते हैं सहज, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी, तब जाकर के ही हर कर्म में विजय दिखाई देगी। लेकिन अगर स्वार्थ है, कुछ प्राप्ति हो, कुछ मिल जाए मुझे, तो वहीं कहीं ना कहीं अड़चने भी आनी शुरू हो जाएंगी, वहां पे मिलावट हो जाएगी, लोग पहचान लेंगे वो मिलावट और आपको सहयोग मिलना भी बंद, साथी भी बंद और उनसे कोऑपरेशन भी नहीं मिलने वाली और फिर पांच तत्व भी कहीं ना कहीं दूर होने शुरू हो जाएंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे या आपके साथ सहयोगी नहीं बनेंगे। ये अनुभव से कहे जा रही है बातें, इसको और पहचानने के लिए, जानने के लिए इतनी गहरी बातों को आप ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाएं और वहां से पहचाने की एग्जैक्टली कौन सी सेवा है जो कि हम धन के अलावा भी कर सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।